जेएनयू में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जेएनयू छात्र संघ आज एचआरटी मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। समिति की सिफारिशें वहां पर रखी जाएंगी और सार्वजनिक करने की मांगे भी की जाएंगी। तो वीसीट को हटाने की मांग को लेकर भी छात्रों का प्रदर्शन आज रहेगा। तो छात्र कुलपति एम जगदीश कुमार को हटाने की मांग करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और आज इसी को लेकर एचआरडी मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन होगा, जहां पर समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक करने की मांग और साथ ही वीसी को हटाने की मांग को लेकर भी ये प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। तो एचआरडी मंत्रालय के बाहर जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। सार्वजनिक करने की मांग है समिति की सिफारिशों को और साथ ही वीसी को हटाने की भी मांग, जिसको लेकर यह प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। तो छात्र कुलपति एम जगदीश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लंबे वक्त से विवाद जो है वो जेएनयू का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसे में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी सूरत में आज एक बार फिर से अपने विवादों को लेकर, अपनी समितियों की मांगों को लेकर, सार्वजनिक करने की मांगों को लेकर जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन, उनका हल्ला बोल आज एक बार फिर से देखने को मिलेगा। एक बार पहले भी फीस वृद्धि को लेकर संसद की ओर कूच करने की कोशिश की गई थी, घेराबंदी कई पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी छात्र अड़े रहे। हालांकि इसके बाद आश्वासन उनको दिया गया, लेकिन छात्र बार बार कहते रहे कि लिखित में आश्वासन चाहिए। और अब इस बीच यहां पर छात्र कुलपति एम जगदीश को हटाने की मांग कर रहे हैं और आज एचआरडी मंत्रालय के बाहर भी प्रदर्शन इसका देखने को मिलेगा। और कमलेश हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। कमलेश, इस प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी, क्या जो फीस को लेकर विवाद इतने दिनों से था, क्या वही विवाद आज एक बार फिर से देखने को मिलेगा? जी, ऐसा लगता है कि ये विवाद और भी गहराने वाला है। हालांकि जो हाई एम्पावर्ड कमेटी था ना, वो कमेटी ने पहले ही सुझाव दिया था कि जो फीस वृद्धि रोल बैक किया गया, यानी 50% खुद एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया था, जेएनयू के द्वारा, उनमें भी कटौती की जाए। 50% और 75% कटौती करने का अनुमोदन किया था, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि जो हाई एम्पावर्ड कमेटी थी उन्होंने हमसे बात नहीं की, और जाहिर सी बात है इसी बात को लेकर के वो भाई चांसलर से नाराज हैं। उनको उनका कहना है कि भाई चांसलर पक्षपात हैं और कहीं ना कहीं वो एक खास विचारधारा को प्रभावित दृष्टि से बिलोंग करते हैं, लिहाजा उनकी उनको हटाने की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से वो पहले आज जेएनयू के बाहर जो प्रांगण एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, वहां प्रदर्शन करेंगे और कहा ही जा रहा है कि शायद वो एचआरडी मिनिस्ट्री जो शास्त्री भवन में स्थित है उनके सामने प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि जो कि पार्लियामेंट चल रहा है तो 144 इम्पोज है पूरे एरिया में, निश्चित रूप से वहाँ एचआरडी मंत्रालय के सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जरूर आएंगे, जहां तक उनको पहले से याद दी गई थी डेमोन्स्ट्रेशन करने का। अब देखना होगा कि क्या इस नए आंदोलन के रुख से, पहले वो लोग फीस वृद्धि की वापसी की मांग को लेकर सड़कों पे थे, अब वो भाई चांसलर उठाने की मांग कर रहे हैं, अब कितना आप प्रेशर बना पाते हैं देखना होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाइस चांसलर को हटाने की मांग लगातार ये छात्र कर रहे हैं और आज इस मांग को और भी तेज करते हुए सड़कों पर ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ये रोष यहाँ पर इन छात्रों का देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एचआरडी मंत्रालय के बाहर भी आज जेएनयू के छात्र हल्ला बोल करेंगे।